हमारी सबसे पहली डिश है पार्सले पूरी। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास है आटा। इस आटे में हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरे का पाउडर, घी या बटर, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट उसको स्पाइसी करने के लिए, दही, और इसका आप इसको ब्लेंड करके ऑयल के साथ अगर आप छोड़ दें तो ऑयल जो है वो बिल्कुल ब्यूटीफुल ग्रीन हो जाएगा। इवन पालक भी इतना ग्रीन कलर नहीं दे पाता जितना पार्सले देता है। ये लीजिए हमारा डो तैयार है। इसको एक बार फाइनली साथ में गूंद देते हैं। इसको 10 मिनट तक रेस्ट करेंगे। इसको हम चटनी के साथ खाएंगे जो मैं बना रहा हूं कच्चे आम और टमाटर से। आप चाहें तो इस आम को रोस्ट करके या बॉईल करके भी इसका पल्प यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं एक टैंग और एक फ्रेशनेस आए इसकी। और यहाँ पे हमारे पास टोमेटो है, ये मिक्सी में घुमाएंगे। पहले रॉ मैंगो, अब टमाटर, अब इसको ब्लेंड करते हैं हम। एक रफ ब्लेंड किया और बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा ग्रीन चिली का पेस्ट, लिटिल बिट ऑफ ऑयल, बहुत हल्का सा सॉल्ट। आप जहां पे भी खट्टा यूज कर रहे हैं वहां पे थोड़ा सा ऑयल डालें। उससे क्या है कि पैलेट के ऊपर यानी कि हमारी जुबान के ऊपर खट्टे की हार्शनेस थोड़ी कम हो जाएगी। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर कलर को उभारने के लिए और स्पाइसीनेस के लिए, और इसको ब्लेंड कर देते हैं। ये ब्लेंड हो गया। चलिए पूड़ी बनाते हैं। हमारा डो रेस्ट हो चुका है। छोटे छोटे पेड़े इसके काट लेंगे। अब पूड़ी बेल लेते हैं। और इसको फ्राई कर लेते हैं। प्लेटिंग के लिए चटनी, और चटनी के साथ में पूड़ी।